आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित दक्षिण कोरिया की जेपी कंपनी एलजी पॉलीमर्स की फैक्ट्री से जहरीली गैस के रिसाव ने गुरुवार की सुबह दर्दनाक मंजर दिखाया। खतरनाक गैस के रिसाव के चलते 3 मील के दायरे में सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। प्रभावित इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और स्थिति पर केंद्र सरकार ने भी नजर बनाए रखी। आइए अब आपको बताते हैं इस जहरीली गैस के बारे में, जिसे स्टायरीन कहते हैं। स्टायरीन एक केमिकल होती है जो सिंथेटिक रबड़ और रेजिन्स बनाने में काम आती है, जो आमतौर पर रंगहीन होती है और तेजी से फैलती है। हालांकि इसका स्वभाव तैलीय होता है और कभी कभी देखने में हल्के पीले रंग की लगती है। स्टायरीन का मुख्य तौर पर प्लास्टिक और पॉलिस्ट्रीन उद्योग में पॉलिस्टराइन प्लास्टिक और रेजिन्स बनाने में उपयोग होता है। विशाखापट्टनम स्थित जिस कारखाने से स्टायरीन लीक हुई, वहां पर पॉलिस्ट्रीन मटेरियल्स बनाने का काम होता है। इस तरह के प्रोडक्ट खिलौने और अन्य सामान बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टायरीन गैस व्यक्ति के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर डालती है और इसकी वजह से सिरदर्द, बेहोशी, कमजोरी और डिप्रेशन पैदा होता है। इससे सांस लेने में तकलीफ होती है, साथ ही किडनी, पेट और फेफड़े की समस्या भी हो सकती है। अगर कोई शख्स अचानक से गैस का शिकार हो जाता है तो उसे उल्टी, आंखों में जलन, स्किन पर दाग और बेहोशी हो सकती है। गैस रिसाव की घटना के बाद ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लोगों को भीगे हुए कपड़े को मास्क के तौर पर यूज करने की सलाह दी, ताकि गैस नाक के रास्ते शरीर के भीतर ना जा सके। गैस के प्रभाव को कम करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में पानी का छिड़काव करने को भी कहा, ताकि गैस के प्रभाव को कम किया जा सके।